क्लास 10th का चैप्टर 5 करेंगे जिसका नेम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उससे पहले कुछ बातें आपको रिवाइज करवा देते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज आल्सो नोन एज एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को किस क्या कहते हैं? एपी, शॉर्ट नेम है एपी। उसके बाद है फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। फिक्स नंबर क्या होता है? कॉमन डिफरेंस फिक्स नंबर होता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी, और उसको डी से डिनोट करते हैं। उसके बाद है कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी हो सकता है कॉमन डिफरेंस। उसके बाद है जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है? पहली होती है ए, जिसको हम A1 कहते हैं, फिर ए प्लस डी जिसको हम A2 कहते हैं, फिर ए प्लस 2D जिसको हम A3 कहते हैं, ए प्लस 3D जिसको A4 कहते हैं, अप टू सो ओन। ए हमारे क्या होती है? फर्स्ट टर्म। डी हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। अब बात आती है कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस होता है डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस ए फर्स्ट टर्म। जिसको सेकेंड टर्म को हम क्या कहते हैं? A2, और फर्स्ट टर्म को हम कहते हैं A1, A2 माइनस A1। उसके बाद D निकालते हैं थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो थर्ड टर्म को कहते हैं A3 और सेकेंड टर्म को A2, तो A3 माइनस A2। उसके बाद फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, तो A4 माइनस A3। तो ऐसे हम निकालते जाएंगे, लास्ट में हमारे पास हम कैसे करेंगे? D इक्वल टू nth टर्म। nth टर्म में से n माइनस 1th टर्म को माइनस कर देंगे, तो उसको कैसे लिखेंगे? an माइनस 1। तो इस टाइप से हम उसको लिखेंगे। तो अब एक्सरसाइज 5.1 करते हैं। 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। तो फर्स्ट है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। तो अगर हम टैक्सी फेयर कहीं जाते हैं तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमें ₹15 देने पड़ते हैं, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। और फर्स्ट किलोमीटर के बाद सेकंड किलोमीटर के लिए 8 और देने पड़ेंगे, थर्ड के लिए फिर 8 और, तो इस तरह हम देते जाएंगे। तो हमने उसकी सीरीज बनानी है, तो करते हैं। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमने क्या दिया? ₹15। तो ए या A1 हमारा क्या हो जाएगा? 15। उसके बाद हमारा A2। A2 क्या होता है? A प्लस D। तो यहाँ पे हमारी D की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू 15 और D की वैल्यू 8, क्योंकि हर किलोमीटर के लिए ₹8 एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। तो D की वैल्यू हमारी 8 है। तो A2 क्या होगी? A प्लस D। तो 15 प्लस 8 हो जाएगी 23। उसके बाद A3 फाइंड आउट करेंगे। A3 होता है हमारा A प्लस 2D। तो A प्लस 2D, तो 15 प्लस में 2 इंटू D 8 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 31। फिर A4 निकालेंगे, तो A4 होता है हमारा A प्लस 3D। तो A हमारा 15 है प्लस में 3 और D हमारा 8 है। तो ये हमारा आ जाएगा 8 3 24 24 और 15 39। तो हमारी सीरीज क्या बनेगी? ऐसे हम चलते जाएंगे। और फर्स्ट टर्म हमारी 8 आई, 8 के बाद 23, फिर 31, फिर 39 अप टू सो ओन। तो अब इसमें कॉमन डिफरेंस 8 है, तो ये क्या है? AP। सब में 8 का ही डिफरेंस है, तो हम लिख सकते हैं इसको, यस इट इज एन AP। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। एक सिलेंडर में एयर प्रेजेंट है। व्हाट ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट
टाइम, तो जितने उसके अंदर एयर है तो हर घंटे के बाद 1/4 उसमें रिमूव हो जाती है। जितने उसमें प्रेजेंट हैं तो पंप से जब करते हैं तो वो क्या 1/4 उसमें रिमूव हो जाती है एक टाइम में। तो क्या लिखेंगे, लेट अमाउंट ऑफ एयर वी, एयर को हमने वी से डिनोट कर लिया जो कि हमारी फर्स्ट टर्म है ए। तो अब रिमूव कितनी होती है हर टाइम में, वो उसमें रिमूव होती है वी, वी हमारे पास है वी की 1/4, वी इंटू 1/4, तो वी बाय 4 रिमूव हो जाती है। तो एयर कितनी बचेगी, एयर लेफ्ट वी थी हमारे पास और रिमूव हुई वी माइनस वी बाय 4, तो इसको वी माइनस वी बाय 4 करते हैं, एलसीएम लेंगे वी बाय 1 कर देते हैं 4, तो ये आ जाएगा 4V माइनस वी 3V बाय 4, तो ये हमारी आ गई A1 के इक्वल, ये हमारी A1। उसके बाद हमारी ये एयर लेफ्ट हुई, उसके बाद फिर से रिमूव होगी 1/4 पार्ट। अब वी की 1/4 रिमूव नहीं होगी, हमारे पास कितनी बची हुई है 3V/4, तो 3V/4 में से 1/4 रिमूव हो जाएगी, तो ये आ जाएगी हमारी 3V/16। तो एयर कितनी लेफ्ट होगी, एयर लेफ्ट, तो टोटल हमारे पास कितनी है 3V/4, तो टोटल में से ये रिमूव जितनी है उसको माइनस कर देंगे 3V/16, तो एलसीएम लेंगे तो 16 हमारा एलसीएम, 16 को 4 से डिवाइड किया 4, 4 3 12 वी माइनस 3V, तो हमारे पास बचा 12 में से 3 गया 9V/16। इसको हम 9/16 को हम 3 का स्केयर और ये 4 का स्केयर बन जाएगा, 3/4 का स्केयर वी भी लिख सकते हैं, तो ये हमारी किसकी वैल्यू है A2 की, या A प्लस, ये हमारी A थी, ये A+D और ये A+2D। अब फिर से हम आगे निकालते जाएंगे तो ऐसे ही हमारी आती जाएगी। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म पहले हमारी वी थी, सेकंड टर्म हमारी आई 3V/4, थर्ड टर्म आई 3/4 का स्केयर और वी अप टू 100 ओम, तो इसमें क्या है डी क्या है इक्वल नहीं आ रहा, ये 3/4 आएगा, इसमें 3/4 का स्केयर आएगा, तो इसमें डी की वैल्यू क्या है इक्वल नहीं आ रही, तो इसमें हम क्या कहेंगे, इट इज नॉट एन AP, जब डी हमारा सेम आएगा तो हमारी वो AP होगी, तो ये AP नहीं है, तो ये हमने जो हमारे पास ये आई A1 की वैल्यू लगा दी, ये A2 की, ये A3 की, तो इससे हमें पता लगा कि ये AP नहीं है क्योंकि डी की वैल्यू इसमें हर बार अलग अलग है। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, तो वेल कुएं को हम खोदेंगे तो उसकी कॉस्ट के बारे में बताया। व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर, फर्स्ट मीटर के लिए ₹150 देते हैं और एंड राइजेज बाय द ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, और फिर सेकंड के लिए 50 और एक्स लग जाते हैं, फिर थर्ड के लिए 50 और लग जाते हैं, तो इस तरह लगते जाएंगे। तो हमें इसकी सीरीज बनानी है। फर्स्ट किलोमीटर के लिए क्या है, फर्स्ट मीटर के लिए तो हमारी 150 है, तो ए की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 150, फिर डी की वैल्यू हमारी क्या होगी क्योंकि हर मीटर के लिए 50 एक्स्ट्रा लगते हैं, तो डी की वैल्यू 50, तो हमारी A1, ये हमारी A1 होगी। उसके बाद A2 निकालेंगे, A2 क्या होता है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है वैसे ही है सेम,
फर्स्ट पार्ट इसका ए टू इक्वल टू ए प्लस डी, तो 150 प्लस में 50, तो ये हमारा आ जाएगा 200। फिर ए थ्री ए प्लस 2d, तो ये आ जाएगा 150 प्लस में 2 × 50, तो 52 × 100, तो 150 प्लस 100 250 हो जाएंगे। तो ये हमारी थी ए थ्री की वैल्यू। उसके बाद ए फोर की वैल्यू निकालते हैं। ए फोर की वैल्यू ए प्लस 3d, तो ए की वैल्यू है 150 प्लस में 3, इसे पुट करते जाएंगे। डी की वैल्यू है 50, तो 53 × 150 प्लस 150 300, ऐसे हम चलते जाएंगे। तो हमारी क्या आएगी, पहले हमारी ए वन की वैल्यू 150 थी, तो फिर ए टू की 200, फिर ए थ्री 250, फिर ये ए फोर 300 अप टू सो ओन। तो अब इसमें क्या है, कॉमन डिफरेंस 50 है, तो हम क्या कहेंगे, यस इट इज एन ए पी, एन ए पी, तो ये हमारी ए पी। तो अब फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिट एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो प्रिंसिपल क्या है, 10,000 और रेट 8%, तो पर एनम है। तो ऐसे हम निकालते जाएंगे। पहले ए हमारे पास ए वन 10,000 है, तो फिर ए वन निकालेंगे, फिर ए टू निकालेंगे, फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे, फिर सेकेंड ईयर के लिए, फिर थर्ड ईयर के लिए। तो हमारे पास प्रिंसिपल है 10,000 रुपीज, और तो ये हमारी इक्वल हो जाएगी ए के इक्वल, या हम कह सकते हैं फर्स्ट टर्म, इसको फर्स्ट टर्म। उसके बाद रेट है हमारे पास 8% पर एनम, और टाइम है हमारे पास वन, पहले फर्स्ट ईयर के निकालेंगे लिए, फिर सेकंड ईयर के लिए, फिर थर्ड ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर के 1 लग जाएगा, सेकंड ईयर में 2 लग जाएगा टाइम, और थर्ड ईयर में 3 लग जाएगा। तो उससे पहले अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 की पावर टाइम। तो इसको करते हैं आफ्टर फन, पहले आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर निकालेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, अमाउंट 10,000 है, तो इंटू 1 प्लस 8/100 की पावर 1 हो जाएगा। फिर सेकंड ईयर के लिए निकालेंगे, तो आफ्टर 2 ईयर, 2 ईयर के बाद, तो हमारा प्रिंसिपल 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 2 हो जाएगा 2 ईयर के लिए। तो फिर आफ्टर 3 ईयर, तो प्रिंसिपल है 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 3 हो जाएगा। तो ये हमने ऐसे निकाल लेंगे, तो हमारी क्या सीरीज बनेगी, पहले हमारी ये थी 10,000, तो पहले हम 10,000 लिखेंगे, ये हमारी ए वन की वैल्यू थी, फिर ये हमारी किसकी थी, ये ए वन की थी, ये ए टू की, ये हमारी ए थ्री, ये हमारी ए फोर। तो हमारी तो ये फोर है, तो इसको हम ये 10,000
उसके बाद इसकी जो अगर इसको सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 10,800। आप सोल्व कर लेना, आप पाते हैं। तो अगर सोल्व नहीं करना तो आप एज इट इज़ ऐसे इसको भी लिख सकते हो। तो इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, 10,000 × 1+8y100¹। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, 10,000 × 1+8y100¹2। फिर इसको फाइंड आउट करके ये भी लिख सकते हो, और अगर फाइंड आउट नहीं करना तो एज इट इज भी लिख सकते हो। ये हो जाएगा हमारा 10,000 × 1+8y100¹3। तो ऐसे चलता जाएगा। तो अब इनका डिफरेंस क्या है, अलग अलग होगा, तो हम कह सकते हैं इट इज नोट एन ए पी, नोट एन ए पी, ए पी नहीं है ये, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस के अलग अलग आएगा। तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। आपको ए गिवन है, डी गिवन है, आपने फोर टर्म फाइंड आउट करनी है। तो करते हैं इसको। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा, ए इक्वल टू 10 गिवन है और डी इक्वल टू 10। तो ए 10 गिवन है, तो ए वन इक्वल टू ए होता है, इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो ए वन की वैल्यू होगी, ये हमारी फर्स्ट टर्म होगी एक, तो ये आंसर हो गया हमारा। उसके बाद ए टू फाइंड आउट करेंगे, ये होता हमारा ए प्लस टू, ये ए है, ये ए प्लस ए थ्री होता, वो तो ये हमारा सॉरी ए प्लस डी, ए प्लस डी। तो ए हमारा 10 है और डी हमारा 10 है, तो क्या होगा 20। फिर ए थ्री होता है हमारा ए प्लस टू डी, तो 10 प्लस में 2, डी की वैल्यू 10, तो 10 × 2 = 20, 20 + 10 हमारा 30 हो गया। तो ये भी हमारा आंसर है, ये भी हमारा आंसर है। अब ए फोर है हमारा ए प्लस 3d, तो ए हमारा 10 है प्लस में 3 × 10, तो 10 × 3 = 30, 30 + 10 = 40, तो ये हमारा 40। तो इसमें हमने फोर टर्म ही फाइंड आउट करनी थी, तो हमारी ये होगी 10, 20, 30, 40। तो ये हमारा आंसर हुआ, ये फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारा गिवन है ए की वैल्यू -2 और डी की वैल्यू गिवन है 0, डी की वैल्यू 0। तो हमारा हो जाएगा ए वन इक्वल टू ए इक्वल टू -2 है, तो ये आंसर हो गया हमारा। फिर ए टू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ए प्लस डी, तो ए की वैल्यू -2 प्लस में 0, तो ये -2 ही होगा, तो ये आंसर। उसके बाद थर्ड ए थ्री, ए प्लस 2d, तो ये हो जाएगा -2 + 2 × 0, तो 2 को 0 से करेंगे 0, और तो ये भी -2 आ जाएगा हमारा, क्योंकि d की वैल्यू 0 है। तो उसके बाद a4 होता है हमारा a प्लस 3d, तो -2 + 2 × 0, तो ये -2 आ जाएगा, ये तो 0 ही हो गया, तो ये -2, ये आंसर हुआ। तो ये हमारी क्या बनी, -2
दूसरा भी माइनस टू, फिर माइनस टू, फिर माइनस टू, तो ये हमारा आंसर सेकंड पार्ट का। उसके बाद हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है ए की वैल्यू 4 है और डी की वैल्यू माइनस 3, तो इसको भी ऐसे ही करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो A1 इक्वल टू A इक्वल टू 4 हो जाएगा, फिर A2 इक्वल टू A प्लस डी हो जाएगा, तो A प्लस डी, तो 4 प्लस डी की वैल्यू क्या है माइनस 3, तो 4 प्लस में माइनस 3 हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 3 गया, ये हमारे पास 1 आ जाएगा। फिर A2 इक्वल टू A प्लस 2 डी, तो A की वैल्यू 4 प्लस में 2 और D की वैल्यू माइनस 3, तो 2 3 जा 6, माइनस के 6 और प्लस के 4, तो 6 में से 4 गया 2 और माइनस के लग जाएगा माइनस का 2। तो उसके बाद है A3 निकालेंगे, A3 ये है, A2 A1 A2 A3 A4, तो A प्लस 3D इक्वल टू A की वैल्यू 4 है प्लस में 3, D की वैल्यू हमारे पास माइनस 3 है, तो 3 जा 9, माइनस के 9 और प्लस के 4, तो क्या बचेंगे माइनस के 5, तो हमारा आंसर क्या होगा, A1 हमारे पास 4 है, 4 उसके बाद 1, उसके बाद माइनस 2, उसके बाद माइनस 5, तो ये हमारा आंसर हुआ थर्ड पार्ट का। फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा A इक्वल टू माइनस 1, D इक्वल टू 1/2, तो इसमें हम A1 इक्वल टू A क्या हो जाएगा माइनस 1, फिर A2 निकालेंगे, तो A2 होता है A प्लस डी, तो A हमारे पास माइनस 1 है प्लस में 1/2, तो माइनस 1 प्लस 1/2, तो इसको हम एलसीएम लेंगे अगर इसका हम, तो क्या हो जाएगा 2 एलसीएम, और ये माइनस का 2 प्लस का 1, तो ये माइनस 1/2 आ जाएगा। फिर A3 निकाल लेंगे, A प्लस 2 डी, तो माइनस 1 प्लस में 2 और 1/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस 1 और प्लस 1 हमारा आ जाएगा 0। फिर A4 निकाल लेंगे, A प्लस 3 डी, तो A हमारे पास माइनस 1 प्लस में 3, 1/2, तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस में 3/2, तो इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे हम, तो 2 एलसीएम आएगा, तो ये हमारा 1 लगा लेते हैं, माइनस 2 प्लस में 3 हो जाएगा, तो ये हमारा बचा 1/2, तो हमारी क्या हुई फर्स्ट टर्म हमारी माइनस 1, आंसर है ये हमारा माइनस 1, सेकेंड हमारी माइनस 1/2, थर्ड हमारी 0, फोर्थ हमारी 1/2, तो ये हमारा फोर्थ पार्ट हुआ। तो अब फिफ्थ पार्ट करते हैं इसका। फिफ्थ पार्ट हमें गिवन है A इक्वल टू माइनस 1.25, D इक्वल टू माइनस 0.25, ये पॉइंटों में दिया हुआ है, तो दिक्कत कुछ नहीं है इसमें, पॉइंट बस पॉइंट वाला सब्ट्रैक्ट करना आपको आना चाहिए। तो इसको हम A1 हमारा A के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा माइनस 1.25। फिर A2 निकालेंगे, तो A2 होता है A प्लस डी, तो माइनस 1.25 प्लस में माइनस 0.25, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस और माइनस, तो ये आंसर माइनस में ही आएगा, 1.25 में 0.25 करेंगे, तो ये हो जाएगा 1.50।
फिर ए थ्री निकालेंगे, ए प्लस टू डी, तो माइनस 1.25 प्लस में 2 और माइनस का 0.25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1.25 और ये प्लस माइनस माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.50, तो ये आ जाएगा माइनस का 1.75। फिर ए फोर निकालेंगे, ए फोर होता है ए प्लस 3D, तो माइनस का 1.25 प्लस में 3 माइनस का 0.25, तो इसको माइनस 1.25 एज इट इज, इसको प्लस माइनस माइनस 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.75 इसको ऐड करेंगे तो माइनस में, और ये 75 और ये 0.2 आ जाएगा 2.00। तो अब इसको क्या लिखेंगे, पहले ए वन है हमारा ये माइनस 1.25, ये हमारा आंसर है। उसके बाद सेकंड टर्म हम लिखेंगे ये, इसको माइनस 1.5 भी लिख सकते हैं, जीरो ना भी लिखो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख भी दोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है। ये थर्ड हमारा माइनस 1.75 और ये उसके बाद है हमारा माइनस 2.00 है, तो माइनस 2 ही लिख देंगे, 0.00 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट कंप्लीट हुआ, तो थर्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय।